नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों महिलाएं गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं। वैसे मसला तो बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल भी इस चीज़ को दिल से ना लगाएं। जो भी बातें यहाँ की जा रही हैं आपकी भलाई के लिए ही की जा रही है, ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं यहाँ पे अगर कारण बताती हूँ ना, तो उसका रीज़न होता है और वास्तव में वो चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे कह देने से वो चीज़ें बदल जाएंगी या ऐसा लोग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिसे ये चीज़ें समझ में आएंगी वो उसका शिकार नहीं होगा या वो गलती से कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें समझने के लिए यहाँ आपको बताई जा रही है रिश्तों को कैसे समझें और रिश्तों में वास्तव में ये चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे होती है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। गैर मर्दों से औरतें क्यों संबंध बनाती हैं? इससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। थोड़ा माइंड को भी हम विकसित करते हैं, ये जवाब देने से ये पता चलेगा कि आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके सामने रखती हूँ। वो कौन सा फल है जिसे भूख लगने पर खा सकते हैं, जिसे प्यास लगने पर पी सकते हैं और सर्दी लगने पर जला सकते हैं? इंटेलिजेंट लोग ही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, और जो लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर नाम लूंगी। तो चलिए फटाफट हम अपने मुद्दे पे आते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ कि ये वास्तव में ये जो सारी चीज़ें हम बताते हैं क्या यही रीज़न होता है, कि इसका मेन एक खास वजह होती है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो लास्ट में आपको सोल्यूशन मिलेगा और उस सलूशन को जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो मैंने महसूस किया है कि कोई भी मर्द ये ना समझे कि उसमें इतनी ताकत है कि उसकी औरत कहीं और किसी और से संबंध बना ही नहीं सकती। कुछ मर्द इस गलत फहमी में होते हैं कि उनको लगता है कि मुझ में इतना मर्दाना ताकत है कि मेरी औरत को किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, इन चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को दिल से या दिमाग से लगाने की कोशिश ना करें, चीज़ों को समझे कि वास्तविकता क्या होती है। तो देखिए, जिस तरह से पुरुष अपना टेस्ट बदलने के लिए दूसरी महिलाओं के पास जाते हैं, उस तरह महिलाएं भी दूसरे मर्दों के पास अपना टेस्ट बदलने के लिए जा सकती हैं। ये संभावनाएं रहती हैं और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, चोरी छुपे होता है, खुले आम नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो सकता है। इन संभावनाओं को हमें मानना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी नौजवान को किसी भी महिला के पास अकेले कभी भी नहीं रहने देना चाहिए। ये भी एक कारण होता है कि जिस तरह से अगर आप आग के ऊपर घी को रखेंगे तो उसका पिघलना स्वाभाविक है, अकेला अगर स्त्री और पुरुष, वो भी नौजवान है, अगर वो अकेले रहेंगे, आकर्षण होना एक स्वाभाविक बात होती है। कभी भी किसी नौजवान को अपने घर पे अकेले अपनी स्त्री के साथ ना रहने दें, ना छोड़ें, अगर आप चाहते हैं कि ये संभावनाएँ पैदा ना हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाजायज संबंध ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। कोई उनके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा है तो वो अपने पति से शिकायत नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर वो शिकायत करती है तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पति अपनी पत्नी को दोष देते हैं कि तू ही ऐसी रही होगी या तूने ही ऐसा इशारे किए होंगे जिसकी वजह से तेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये डर के कारण भी वो चुपचाप नाजायज संबंध को स्वीकार कर लेती है, किसी भी छेड़छाड़ को अपने पति से नहीं बताती है। यहाँ पे मैं सभी पतियों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपनी पत्नी पे भरोसा रखें, उसकी बातों का विश्वास करें। कभी कभी जबरदस्ती भी नाजायज संबंध बनाए जाते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत होती है। ये डर के कारण कि आप भरोसा नहीं करेंगे, उसी के ऊपर शक करेंगे, इस वजह से भी वो खामोशी से उन छेड़छाड़ को, उन गलत हरकतों को स्वीकार कर लेती है। और फिर ये बार बार ब्लैकमेलिंग का सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, मैं तुम्हारे पति से बोल दूंगा या मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और जिसकी वजह से औरत को मजबूरन शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं गैर मर्दों के साथ। ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि पति अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करते हैं, उनकी बातों को सच्चाई से नहीं स्वीकार करते हैं, ज़्यादातर शक ही करते हैं कि औरत ही गलत होगी, तभी मर्द उसके साथ गलत कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। एक और कारण होता है कि ज़्यादा प्रताड़ित करना, मारपीट करना, ज़्यादा उसे भयभीत करना, ज़्यादा डराना, ज़्यादा धमकाना, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ये कारण भी बनता है औरत के बदचलन होने का, औरत के दूसरे पुरुषों से नाजायज संबंध बनाने का। तो बहुत से कारण ऐसे होते हैं जो हम खुद भी उन्हें तैयार करके देते हैं, जिसकी वजह से वो गैर मर्दों से संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
तो ये कुछ कारण है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, ये समझने वाली बातें हैं। पुरुषों को ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा बहुत दोष होता है, जिसकी वजह से उनकी बीवियाँ गैर मर्दों से संबंध बनाती है। लेकिन जो पहली बात मैंने बताई कि टेस्ट बदलने के लिए भी औरतें कर सकती हैं जिस तरह से पुरुष करते हैं, तो यहाँ पे पुरुष और औरत से कोई इतना मतलब नहीं होता कि सिर्फ औरत ही बच्चलन होती है, औरत ही गैर मर्दों से संबंध बनाती है, ऐसा नहीं है। पुरुष भी गैर औरतों से संबंध बनाते हैं। यहाँ किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, यहाँ संभावनाएं बताई जा रही। तो ये किस कारण से होता है? तो अब जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ये होता क्यों है। अब यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ कि औरत हो या पुरुष हो, औरत गैर मर्द से और पुरुष गैर महिलाओं से संबंध बनाते हैं, उसी तरह से औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, ऐसा नहीं। जब औरत गलत है, चरित्रहीन है, तो पुरुष भी तो उसके साथ शामिल है, तो वो भी तो किसी का पति होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि औरत हो या मर्द हो, दोनों ये काम क्यों करते हैं, क्यों गैर मर्दों से या गैर महिलाओं से संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है। तो देखिए, चाहे कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर गैर मर्द या गैर महिला से संबंध बना रहे, तो इसका एक ही मेन कारण होता है, उनका चरित्र, चरित्र की कमजोरी जो मेन कारण होता है। और चरित्र हमारा कैसे बनता है? जिस भी महिला या पुरुष का चरित्र निर्माण नहीं होता, वो बहक सकता है, वो भटक सकता है, क्योंकि उसे सही और गलत सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, यहाँ पे मैं महिला या पुरुष की बात नहीं करूँगी, जो हमारा बच्चा होता है शुरू से, अब आपके साथ जो भी हो गया, अब आपके अगर बच्चे हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना बेहद ज़रूरी है। जो भी पति पत्नी किसी के बच्चे हैं, उनके माँ बाप ने उनका सही तरीके से चरित्र निर्माण नहीं किया, सही तरीके से उन्हें संस्कार नहीं दिए, जिसकी वजह से वह इन गलत चीज़ों को करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का चरित्र निर्माण नहीं होता, जिस व्यक्ति को अच्छे संस्कार नहीं होते, उसका अपने मन में कंट्रोल नहीं होता, अपने मन को बस में कर लेने का, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, और वही इच्छाओं का भंवर उसके मन को भटकाता है और ऐसा काम करने पर मजबूर करता है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि महिला हो या पुरुष हो, महिला गैर मर्दों से संबंध क्यों बनाती है, पुरुष गैर महिलाओं से संबंध क्यों बनाते हैं। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएं, तो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती है। और इसका आगे का उपाय तो मैंने बताया ही है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, कैसे अपने संबंधों को बेहतर बनाएं, और अगर बार बार कोई आपके साथ गलती कर रहा है तो उसके साथ भी क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाएँ, हस्बैंड वाइफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप ओपन करें और सारे वीडियो आप देख पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उसके माध्यम से भी और वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि महिलाएं गैर मर्दों से संबंध क्यों बनाती है, तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, और शायद आपके साथ ऐसा ना हो, तो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप अपने ऊपर भी कंट्रोल रखेंगे तो शायद ऐसा ना हो। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जिस महिला या जिस पुरुष के साथ रह रहे हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं। अगर इस तरह से देख के आप विवाह में बंधेंगे या एक दूसरे के साथ आएंगे, तो शायद ये शिकायतें आपकी कम हो सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज पर सुबह 8 बजे और रात को 10 बजे लाइव मिलें और लाइव अपने सवाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अगर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।